आपको बता दें, एक और अहम खबर, जहां पर राजनीतिक भूचाल लगातार बना हुआ है, रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी का असल वारिस कौन है, ये बड़ा सवाल। इसको लेकर चाचा और भतीजे की लड़ाई जारी है। रामविलास पासवान के बेटे और भाई आमने सामने हैं। भतीजा चिराग पासवान हार मानने को तैयार नहीं। पशुपति पारस ने खुद को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बताकर चिराग पासवान के फैसलों को असंवैधानिक बता दिया है। तो चिराग अपने चाचा पशुपति पारस के दावे को सिरे से खारिज कर रहे हैं। अब तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी भंग हो गया, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हो गया हूँ, विरोध हुआ हूँ, किसी का विरोध नहीं हुआ। तो उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है पूरी तरीके से कि इस तमाम जानकारी जो आज उनके समक्ष रखी गई है, इसके आधार पर वो इसको पुनः इसको देखेंगे। जिसके द्वारा भी जो बैठकें बुलाई जाएगी वो संवैधानिक नहीं होगा, वो असंवैधानिक होगा। कि जो न्याय संगत होगा, जो सही होगा, अध्यक्ष जी उसी का साथ देंगे। रामविलास पासवान की LJP उनके भाई की या बेटे की, ये लड़ाई अभी बाकी है। चिराग पासवान हार मानने को तैयार नहीं। कल देर शाम उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और LJP के संविधान का हवाला देते हुए लोकसभा में पशुपति पारस को लोक जनशक्ति पार्टी का नेता नियुक्त किए जाने के फैसले को असंवैधानिक बता दिया। चिराग पासवान अपने चाचा और उनके साथियों को दल बदल कानून के तहत घेर तो नहीं सकते, लेकिन साख की लड़ाई में वो हथियार नहीं डालेंगे, ये भी तय है। पशुपति पारस ने LJP की पुरानी कमेटी को भंग कर 8 लोगों की नई समिति बनाई है, जो फिलहाल पार्टी की ओर से फैसले लेगी। तो वहीं चिराग पासवान ने भी दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर चाचा के नहले पर दहला दे मारा है। कई राजनीतिक दलों में सांसद विधायक आते जाते हैं, हर 5 साल के बाद उनकी संख्या बढ़ती कम होती है, पर जो संगठन के लोग होते हैं वही पार्टी को चलाने में, आगे बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका होती है, और इसीलिए कल मैंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई है। जाहिर है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चिराग पासवान के लिए शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं। अपनी ताकत दिखाकर वो चाचा पशुपति पारस को ये बता देना चाहते हैं कि पिता की पार्टी से बेटे को निकाल पाना इतना आसान भी नहीं। और जो हमारी कार्यकारिणी है उसमें 90% लोग कल उस बैठक में मौजूद होंगे, फिजिकली अधिकांश लोग मौजूद होंगे, और कुछ लोग जहां पे लॉकडाउन लगा हुआ है उनके लिए संभव नहीं है आना, वो लोग जूम के माध्यम से जुड़ेंगे। तो कल उस बैठक में भी तमाम इस तरीके के प्रस्तावों को और ये पूरे घटनाचक्र को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समक्ष भी हम लोग रखेंगे, और उससे पूर्व में ये जानकारी मेरा लोकसभा अध्यक्ष जी को देना ज़रूरी था ताकि आने वाले समय में वो सही निर्णय लें। दोनों ओर से दांव चले जा रहे हैं, क्योंकि बात सिर्फ पार्टी में टूट की नहीं, ये वर्चस्व की जंग है। असली LJP किसकी, इसका फैसला चुनाव आयोग करेगा, लेकिन एक फैसला जनता की अदालत में होना है, और वोटर्स ये तय करेंगे कि LJP चाहे किसी की भी हो, रामविलास पासवान के वोटों का असल उत्तराधिकारी कौन होगा। तो चुनाव आयोग के फैसले से पहले चिराग ये संदेश दे देना चाहते हैं कि उनके पिता की पार्टी में विरोधियों का कब्जा सियासी साजिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, दोनों ओर से एक ही वर्चस्व की लड़ाई है, लेकिन सवाल यही है कि LJP का असली मालिक कौन है। नहीं, देखिए प्रियंका, साफ है कि सबसे पहले लीड जो है, शतरंज का खेल एक तरह से कहा जाए, दोनों तरफ से चला जा रहा है, दोनों अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। पहले चाल में चाचा ने भतीजे को एक तरह से कहा जाए चित किया था, और सबसे पहले कि 5 सांसदों के साथ जाकर स्पीकर के पास अपनी कहीं ना कहीं अपनी मान्यता करवा ली, उन्होंने अपने आप को संसदीय दल का नेता बना लिया। उसके बाद से कहीं ना कहीं चिराग पासवान जागे, और चिराग पासवान जब जागे तो थोड़ी सी लेट से जागे, और उसके बाद से उनका कहना था कि मैं पहले परिवार में देखना चाह रहा था कि मामला सुलझ जाए, इस वजह से लेट हुआ। और अब चिराग पासवान चुनाव आयोग भी जा रहे हैं, स्पीकर के पास भी गए हैं, लेकिन स्पीकर ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। स्पीकर ने उनके दल को मान्यता दे दी है, लोकसभा में जो LJP के नेता हैं और पशुपतिनाथ पारस है, और दोनों तरफ का दावा है। पशुपतिनाथ पारस ने जो बैठक बुलाई थी पटना में, उसमें उनका कहना है कि 75% जो कार्य समिति के सदस्य थे उनकी बैठक में मौजूद थे, और उनको अध्यक्ष चुन लिया गया है, और उन्होंने पूरे कार्यकारिणी भंग कर दिया, उनके साथ साथ चिराग पासवान को अध्यक्ष पद से हटा भी दिया है।
अब चिराग पासवान का दावा है कि इससे पहले जो उन्होंने बैठक की थी, वर्चुअल बैठक की थी, उसमें 74 में से 41 सदस्य उसमें मौजूद थे और उनके पास अभी भी पार्टी के लोग उनके साथ खड़े हैं। भले सांसद उनके साथ चले गए लेकिन पार्टी उनके साथ है और पार्टी का जो संविधान है उसका बार बार हवाला दे रहे हैं कि संविधान ये कहता है कि अध्यक्ष को हटाया नहीं जा सकता है। अध्यक्ष तभी हटता है जब चाहे तो उसकी डेथ हो जाए, चाहे वो खुद बन खुद किसी और को नियुक्त कर दे। तो पार्टी के संविधान का हवाला देकर उन्होंने चुनाव आयोग में भी अपनी अर्जी दी है, साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष को भी ये बताया है। आज जो कार्य समिति की बैठक करते हैं उसमें 90% का दावा है। देखिए अब कोई 75% कर रहा है, कोई 90% दावा कर रहा है, तो कागजी दावा तो कागज में सबूत के साथ कौन लोग चुनाव आयोग के पास क्या सबूत देते हैं, क्योंकि इसके पहले के जितने एग्जाम्पल्स हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू का एग्जाम्पल ले लीजिए, जिस तरह से उन्होंने अपने ससुर से एनटी रामाराव से पार्टी तोड़ के पूरी पार्टी बना ली थी और पूरी पार्टी हाईजैक, उसी तरह से आप उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का केस देख लीजिए। तो चुनाव आयोग को फैसला करना है, चुनाव आयोग सबूतों पर जाएगा, अंतिम फैसला चुनाव आयोग की तरफ से होगा। बहुत शुक्रिया आपका रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने सिलसिलेवार तरीके से बताई। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store, डाउनलोड इट नाउ।